आज हम जानेंगे हाउ एक्चुअली ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क्स। इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट ट्रांसफ़र होना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेलीफोन में इंफॉर्मेशन थ्रू वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में सेंड होती है, जबकि रेडियो, टेलीविज़न और सेलफोन में इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में या थ्रू ऑप्टिकल फाइबर लाइट की फॉर्म में सेंड होती हैं। थ्री इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल एक मीडियम के तौर पर काम करता है जो सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन चैनल पेयर ऑफ वायर्स, रेडियो वेव्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इंक्रीज करने से सिग्नल पावर डिक्रीज हो जाती है। रिसीवर। आउटपुट सिग्नल्स को ट्रांसमिशन चैनल से लेकर इसको प्रोसेस करने के बाद ट्रांसड्यूसर को भेज देते हैं। रिसीवर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल में होने वाले लॉस को पूरा करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का सिंपल मॉडल बनाकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया। ये टेलीफोन मेटल रीड, इलेक्ट्रिकल कॉइल और डायाफ्राम पे मुश्तमिल है। मॉडर्न टेलीफोन में डायाफ्राम फोन लाइन पर भेजी जाने वाली साउंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। टेलीफोन सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, माउथपीस एंड ईयरपीस। माउथपीस और रिसीवर में कार्बन ग्रैनुअल्स और ब्रिक डायाफ्राम है। अगर कोई इंसान माउथपीस में बोलता है तो उसकी वॉइस डायाफ्राम को वाइब्रेट करती है और ये कार्बन ग्रैनुअल्स को प्रेस करती हैं और इस तरह वायर में इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करने लगता है, जबकि रिसीवर में इसके ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरता है जिससे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड थिन डायाफ्राम को अट्रैक्ट करके इसमें वाइब्रेशन पैदा करती है और ये वाइब्रेशन साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह हम रिसीविंग एंड पर सुन सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोफोन्स, टीवी, कैमरा और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। केबल के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली इंफॉर्मेशन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, क्योंकि साउंड अपने सोर्स से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इसलिए सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस में पास करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मिला दिया जाता है ताकि इसको रोशनी की स्पीड के साथ भेजा जा सके। क्या आप जानते हैं मार्कोनी ही वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट रेडियो सिग्नल हवा के थ्रू सेंड किया। ट्रांसमिटिंग सिस्टम। रेडियो स्टेशन पे प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव्स माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन एंटीना की तरफ भेजे जाते हैं। ये फॉलिंग सिग्नल्स चार्ज को ऑसिलेट करता है और एंटीना इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सेंड करता है। रिसीविंग सिस्टम। इसी तरह रिसीवर के एंड पर रिसीवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को सेलेक्ट और एम्पलीफाई करता है, जबकि
डीमॉड्यूलेटर इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और इसे रिसेप्टर को डिलीवर कर देता है। फैक्स मशीन बहुत सारे बिजनेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली पेज को स्कैन करने के बाद टेक्स्ट और ग्राफिक्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज कर देती है और टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरी फैक्स मशीन को ट्रांसमिट कर देती है। रिसीवर एंड पर फैक्स मशीन अपने साथ लगे प्रिंटर के थ्रू इन ग्राफिक्स को पेपर पर प्रिंट कर देती है।